तो ये देखिए वर्ल्ड का नंबर वन प्याज लगा हुआ है। टमाटर लेने जा रहा हूँ बाजार से, नहीं खेत से। आज हमको रास्ते में बहुत ज़्यादा तबाह किया है, तो एकजुट होकर एकदम उछल कूद रही है। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ राशन लेने से। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रहा हूँ राशन लेने के लिए। आप लोग देख सकते हैं साइकिल से जा रहा हूँ, साइकिल पर राशन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे गाँव में राधा स्वामी सत्संग व्यास है जो कि बहुत दूर में है। आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा नज़ारा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं राशन लेने के लिए और यहाँ पर मैं लाइन लगा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर काली माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा दर्शन भी कर लिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, खोल लेते हैं अपना चप्पल और धो लेते हैं हाथ। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा फूल फुलाया है। यहाँ पर बहुत अच्छा फूल है, कौन सा फूल है मुझे नहीं पता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर हमको एक गजब चीज दिखाई दिया, तो ये देखिए वर्ल्ड का नंबर वन प्याज लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना वर्ल्ड का नंबर वन प्याज लगा हुआ है। ये भाई साहब जिस खेत में प्याज रोपे हैं, प्याज कम और घास ज़्यादा है जो कि पानी के बिना सोचे सब मर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, तो प्याज बैठा है ना कुछ हुआ है। ये प्याज कवर भी नहीं रहा, टूट गया। ये है वर्ल्ड का नंबर वन प्याज जिसमें प्याज कम और घास ज़्यादा है। तो अब रास्ते में देखते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मेरा साइकिल एकदम इधर उधर भाग रही है, पीछे जो है गिर रहा है चावल। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया एकदम गड़बड़, एकदम जो चावल एकवाई हो गया है, एकदम अनबैलेंस हो गया है साइकिल, इसको सोच कर देते हैं। तो आज साइकिल से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये है अनुमंडलीय अस्पताल। तो ये था अनुमंडलीय अस्पताल जिसमें इलाज कम और मनमानी ज़्यादा होता है। तो सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल के बारे में बातें क्या करना है, आप लोगों को भी पता है क्या होता है। तो यहाँ पर है नहर जिसमें पानी ही नहीं है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। आज हमको रास्ते में बहुत ज़्यादा तबाह किया है, तो देख सकते हैं कि तो बार बार एकदम एक्वाई हो जा रहा है, एकदम अनबैलेंस कर दे रहा है एकदम। तो गाइज नहर का रास्ते जा रहा हूँ घर अब, और कुछ मिनटों में घर चल जाऊँगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है। ठीक है, और इस वीडियो का लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी मैं अच्छी अच्छी चीज़ आप लोग को दिखाऊं ब्लॉग के माध्यम से। मेरा दो तीन चैनल है जो कोई अलग अलग कैटेगरी का है, तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस नहर में पानी बहुत कम हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे मछलियाँ जो है एकजुट होकर एकदम उछल कूद रही है, कितना एकदम खोल मार रही है, बहुत छोटे छोटे मछलियाँ इसमें हैं। तो फाइनली घर पर आ गए हम। टमाटर लेने जा रहा हूँ बाजार से, नहीं खेत से। तो ये लगा हुआ है प्याज और ये है टमाटर जो कि हम रोपे हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि टमाटर फरा हुआ है, इसमें भी टमाटर लुकाया हुआ है। ठीक है, तो ये है घर का शुद्ध टमाटर जो कि खाने पर एकदम फायदा ही फायदा करेगा, 100% जो है एकदम सक्सेसफुल है ये। ठीक है, देखिए कितना अच्छा अच्छा टमाटर फरा हुआ है। तो यहाँ पर गाइस लगभग 1 किलो टमाटर निकल गया है,